क्या आप जानते हो 125 सीसी सेगमेंट में होंडा शाइन ये पहले सीबी हुआ करती थी, लेकिन जब ये सीबी निकल चुका है बीएसिक्स में ये गाड़ी आ चुकी है और यहाँ पे एक गियर अपग्रेड होकर के ये आई है। और क्या आप ये भी जानते हो कि जब ये इसका एक गियर अपग्रेड होकर के आई है 125 सीसी की गाड़ी में तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका है। वेल, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस गाड़ी के बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें डेफिनेटली आप जान जाओगे, और अगर आप इस गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आप ये भी समझ जाएंगे कि इसको खरीदना आपके लिए कितना सेंसेबल है या फिर कितना फायदे का सौदा है। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के लुक की, तो हमेशा से ही मैं मेरे वीडियो में यही कहता हूँ कि लुक ये एक सब्जेक्टिव मैटर रहता है, मैं इस पर कभी भी नहीं बोलता। आप जिस तरह से इमेजेस आपको दिख रही है आप खुद जज कर लो कि इसका लुक आपको कैसा लगता है। इसके बाद बात आती है वो है इसकी मजबूती की, इसके कंस्ट्रक्शन की, और वो हुई इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो नो डाउट ये होंडा की गाड़ी है, होंडा की गाड़ियों में अक्सर बिल्ड क्वालिटी का काफ़ी अच्छा से जो है ध्यान रखा जाता है। इस गाड़ी की जो चेसिस है वो डायमंड टाइप चेसिस है, यानी कि इसका मटेरियल यहाँ पे लगाया गया है और जो काफ़ी मजबूत है। इसी के साथ यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प मिल रहा है, रियर लाइट मिल रहा है, जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, और साथ ही इसमें जो प्लास्टिक मटेरियल फैब्रिक मटेरियल लगाए गए हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के मामले में कहीं पर भी आपको ये गाड़ी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। वहीं इस गाड़ी का ओवरऑल जो कर्व वेट है वो 115 किलो है, और साथ ही जो मैक्स पावर इसका इंजन प्रोड्यूस करता है वो है 10.74 पीएस का। तो इस हिसाब से बॉडी टू वेट रेशियो काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है, जिसका प्रभाव आपको हाईवे पर भी दिखने वाला है। अब अगर इसी के कॉम्पिटिटर्स की मैं बात करूं इसके सेगमेंट में आने वाली बाकी दो गाड़ियों की, तो वो है पैशन प्रो और यज गियर। तो पैशन प्रो में आपको 117 केजी का कर्व वेट मिल रहा है और इसका इंजन 9.5 पीएस की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है। वही यज गियर 122 किलो की गाड़ी है और इसका जो इंजन है वो 8.6 पीएस की मैक्स पावर जनरेट करती है। वैसे ज्यादा अच्छा बॉडी टू वेट रेशियो यहां पे आपको पैशन प्रो में मेंटेन करा हुआ दिखता है, लेकिन फिर भी 115 किलो जो शाइन है उसमें आपको मिल रहा है वो भी काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ दिख रहा है। कर्व वेट यानी ओवरऑल वेट होता है, और ये जितना अच्छे से मेंटेन रहे पावर के साथ उतना गाड़ी हाईवे पर स्टेबल चलती है। जैसे अपन बारिश के दिनों में चलते हैं, हवा आती जाती है या फिर बाजू से ट्रक जा रहा है, तो ऐसे में गाड़ी जब लहराती है तो वो वाली चीजें थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। कर्व वेट का कहीं ना कहीं ये फायदा होता है। बहुत ही ज्यादा कर्व वेट अगर रहा तो भी पावर उस हिसाब से मेंटेन रहनी चाहिए, तब जाकर गाड़ी पिकअप भी आसानी से ले सकती है। खैर, तो यहां पे ये चीजें काफी अच्छे से मेंटेन करी गई है शाइन द्वारा। ओवरऑल जो इस गाड़ी का व्हील बेस है वो 1285 mm का मिल रहा है। अब इसका मतलब ये है कि दो टायर्स के बीच का डिस्टेंस, अब ये जितना कम रहता है उतनी ही गाड़ी सिटी राइडिंग में घुमाने के लिए आपको ईजी साबित होती है, कम जगह में घुमाने के लिए, गलियारे में से निकालने के लिए ईजी साबित होती है। तो 1285 mm वैसे काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखा गया है। वही ये व्हील बेस अगर हाईवे पर आप चलते हो तो जैसा गाड़ी के हिसाब से मेंटेन रखा गया है बॉडी टू वेट रेशियो के हिसाब से, तो वहाँ पे हाईवे पर ये स्टेबल चलने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब अगर इस व्हील बेस को मैं कंपेयर करूँ इसी के सेगमेंट में आने वाली बाकी दो गाड़ियों के साथ, जो पैशन प्रो है, एज गियर है, तो पैशन प्रो में आपको 1236 mm का मिल रहा है जो कि कम है शाइन के मुकाबले, और वही 1255 आपको मिल रहा है एज गियर में, जो भी कम है जो आपकी शाइन है उसके मुकाबले। किसी भी गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है उसकी सीटिंग अरेंजमेंट या फिर सीट हाइट। तो इस शाइन में आपको 791 mm की सीट हाइट मिल रही है। अब अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो, उससे थोड़ी कम है तो भी आप चला सकते हो, उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली सवाल ही नहीं उठता। अब अगर आप सीटिंग यहाँ पे देखोगे तो कुशनिंग तो खैर काफ़ी अच्छी है, लेकिन पोजीशन जो है राइडर के लिए काफ़ी अपराइट है, किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, और ये पूरी सीधी की सीधी पोजीशन आपको मिल रही है। तो लॉन्ग राइड के दौरान हाथों में कंधों में दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। अब वही अगर मैं बात करूँ पिलियन सीटिंग की, तो पिलियन के लिए जो ग्रैब रेल मिल रहा है पकड़ने के लिए काफ़ी ईजी है। अब दोनों साइड टांगे करके अगर कोई पिलियन बैठ रहा है तो वहां पर भी उसे काफी अच्छे से कंफर्टेबल फील होता है। सिंगल साइड भी कोई बैठने वाला है, बंदा है, बंदी है, घर में एजेड लोग होते हैं, मम्मी दादी, वो लोग भी अगर बैठ रहे हैं तो भी यहां पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जैसे कि आप इमेजेस में देख ही पा रहे हो इसकी सीटिंग आपको किस तरह से मिल रही है। अब अगर आपको इस गाड़ी को किसी खराब रास्तों में लेकर के जाना पड़े, ओबड़ खाबड़ रास्तों में लेकर जाना पड़े, तो वहां पर भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। वैसे 162 mm थोड़ा सा
कम नजर आता है, लेकिन नीचे से कुछ भी हिट होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि व्हील बेस के हिसाब से इस चीज को भी काफी अच्छे से मेंटेन करा गया है। इस पूरी की पूरी गाड़ी की हैंडलिंग को और भी बेहतर बनाते हैं इसके ट्यूबलेस टायर्स। यहाँ पे आपको 80x100 के 18 इंचेस के फ्रंट और रियर दोनों जगह सेम टायर्स मिल रहे हैं। और वैसे भी ये ठीक ही चीज है, क्योंकि ये कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ी है, ज्यादा रेसिंग या फिर भगाने के लिए दौड़ाने के लिए नहीं है। 60-65 किलोमीटर पर आवर तक आप आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मुद्दे की बात करते हैं, वो है इसके दिल की, कैसे धड़कता है ये। तो यहाँ पे आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 इंजन मिल रहा है, डेफिनेटली FI के साथ ही आ रहा है। यहाँ पे आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल रहा है और 5-स्पीड गियरबॉक्स इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। अब जो ये इंजन है, ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 10.74 PS की @7500 RPM पर, और वही मैक्स टॉर्क जो है वो 11 Nm का जनरेट करता है @6000 RPM पर। तो ये काफी अच्छी चीज है, पावर भी अच्छा है, टॉर्क भी अच्छा है, फर्स्ट गियर में भी ये गाड़ी अपने आप में अच्छा पिकअप रखती है, और साथ ही अगर थर्ड या फिर सेकेंड थर्ड गियर है तब भी ट्रैफिक में चलाने के लिए आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। खटखट खटखट आवाज वगैरह आती है कम ज्यादा गियर में, कम स्पीड में, तो वो वाली चीजें शायद यहां कम देखने को मिले, क्योंकि यहां पे टॉर्क मैनेजमेंट उस तरह से किया गया है। इस गाड़ी में ओवरऑल 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल रहा है, और माइलेज अलग अलग लोगों को अलग अलग मिला हुआ है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों के राइडिंग स्किल पे, 65 से लेकर 70 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज एक्सपेक्टेड है जो कि आपको ऑन रोड मिल सकता है। इसके अलावा इस गाड़ी में कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिल रहे हैं, और ये आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम्स, यानी कि अगला लगाओ तो पिछला भी लग जाता है, सॉरी पिछला लगाओ तो अगला भी थोड़ा बहुत लग जाता है, फंक्शनल में आ जाता है, इस तरह की ब्रेकिंग सिस्टम मिल रही है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल रहा है जो कई सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करता है। पास स्विच यहां पे आपको मिल रहा है, होंडा इको टेक्नोलॉजी जो इसकी इंजन में आपको लगा करके मिल रही है, काफी अच्छी है। साइलेंट जो है इसका इंजन होता है, पैसेंजर फुटरेस्ट डेफिनेटली ये तो रहेगा ही, और वही इंजन किल स्विच भी आपको इसमें मिल रहा है। तो इन फीचर्स के साथ ये गाड़ी आ रही है, साथ ही ये जो फीचर्स है और जो गाड़ी है आपको 70 से लेकर 75,000 दिल्ली एक शोरूम की ये प्राइस है। ऑन रोड प्राइस कितनी होगी आप आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर पूछ सकते हो, क्योंकि प्राइस भी डिफर करती है अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिटी में, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, हर जगह अलग अलग प्राइस होती है। तो आप आपके नजदीकी शोरूम पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। यहां तक तो सारी बातें ठीक है, सारी कहानी ठीक है, प्रैक्टिकल बातें जिसे हम कहते हैं वो भी ठीक है। खैर अब अगर जान लिया जाए कि इसका सर्विस नेटवर्क कैसा है या फिर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी कैसी है। देखो ये आफ्टर ऑल होंडा की गाड़ी है, होंडा के सर्विस सेंटर अलग अलग जगह है। अब आजकल तो रूरल एरियाज में भी होंडा के सर्विस जो नेटवर्क है वो देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली शाइन वैसे बहुत पहले से चलती आ रही है, सीबी निकल चुका है, बाकी कुछ चीजें थोड़ी बहुत चेंज हो गई, गाड़ी वही है, बहुत ही ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस चेंज है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली आपको स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी आराम से मिल जाएगी, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और होंडा की सर्विस का जवाब ही नहीं है, काफी अच्छी सर्विस है। वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट अगर इसकी पूछी जाए, बताई जाए, तो वो है आपको लगभग 350 से लेकर 450 रुपए तक की। इसके अलावा अगर आप कोई मेजर पार्ट चेंज करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट अलग से ही आएगी। ये मैंने बस सर्विसिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको बताई है। अब आइए फाइनली बढ़ते हैं मोरल पे, क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर किन लोगों के लिए ये गाड़ी बनी है, किन लोगों को ये गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो 70 से लेकर 75,000 रुपए देकर के 125 सीसी की गाड़ी आपको मिल रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको होंडा का भरोसा मिल रहा है, होंडा के इंजन की रिलायबिलिटी मिल रही है, डेफिनेटली ये आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। लुक, खैर इसका लुक सब्जेक्टिव मैटर होता है, तो वो है। अब अगर आपका डेली 60-65-70 किलोमीटर आना जाना होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है, माइलेज ओरिएंटेड आप गाड़ी देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पावर, थोड़ा सा पिकअप भी ज़्यादा चाहिए, तो जी हाँ, मैं आपको रेफर करूंगा, इस गाड़ी को आप ले सकते हो। टाइम टू टाइम मेंटेनेंस का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, होंडा के इंजन होते हैं स्मूथ ही होते हैं, अगर इनको आप अच्छे से ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली ये गाड़ी लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगी। अब इसके अलावा अगर आपके पास भी ये गाड़ी है, यानी कि सीबी शाइन है या फिर शाइन है, दोनों में से कोई भी हो, PS4, BS6, अगर आप उसे यूज कर रहे हो तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हर मंडे मैं लेकर के आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किए गए एक्सपीरियंसेस को मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं, ताकि अगर पर्टिकुलर कोई इसी गाड़ी को खरीदने के लिए मार्केट में जा रहा है तो आपके द्वारा भेजे गए प्रोज कॉन्स फायदे नुकसान जो एक्सपीरियंस है आपका, उन लोगों तक पहुंच जाए मेरे थ्रू। बस यही है, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा से ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल रिव्यूज देखने को मिलते हैं जो कि लोगों के काम आते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।
रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।